नमस्कार किसान भाइयों, मैं शुभम चौहान मार्था पोल्ट्री फार्मिंग से। ये देख सकते हो हमने 300 बच्चे, ये कड़कनाथ बोलते हैं जिसको, पूरा ब्लैक है, देखो फुल ब्लैक। मैं जूम करके दिखाऊंगा अभी। और ऐसे छत पे रख दिया एकदम अर्जेंट, मतलब जगह ही नहीं थी हमारे पास, मतलब और मेरा छोटा भाई सामने, और जगह ही नहीं है। देखो ये इकट्ठा हो रही है, अभी एक महीने का बच्चा है, देखो एक महीने का बच्चा है, और देखो कितना छोटा है। देखो इम्यूनिटी देख सकते हो उनका, फुल ब्लैक है ये, देखो ये फुल ब्लैक, पूरा शाइनिंग मार रहा, बड़ा होके देख मैं दिखाता रहूँगा। आज पहला दिन है और एक महीने मतलब लिए है, एक महीने के हैं पूरे। इसके अंदर भी घुस गए वो, ये देख सकते हो अंदर तो घुस गए पूरे। ये छत पे रखा है, ये मतलब ये जो वेस्टेज सामान रखते हैं उसमें हमने भी ऐसे ही डाल दिए हैं, तो उधर फार्म में डालेंगे, दूसरा फार्म बना रहे हैं अभी। ये देखो ये अलग है, ये कलर वाला आपने दे दिया, हो सकता है कलर वाला भी है, लेकिन गारंटी ली इसकी कि अगर कलर वाला मिल जाए आपको तो आप वापस कर देना। हमको 65 रुपीज़ का एक मिला, 65 रुपये का, 65 रुपये का एक बच्चा मिला, और काफ़ी बढ़िया मोमेंट है इनका, और इकट्ठा अभी भी हो रहा है। देखो पूरे इसमें, और अभी गुड़ का शरबत लगाऊंगा मैं इसमें। तो इधर बकरियां भी है, इधर बकरियां हैं 7-8, और बाकी इधर घुस गए। देखो पूरा पैक करना पड़ेगा, और मैं बाहर जाके दिखाता हूँ, देखो कि जगह है कि नहीं है हमारे पास। ये देखिए ये फार्म की जाली थोड़ी एक्स्ट्रा, इसीलिए बुलाई थी मैंने, वो इसमें रख देंगे हम। ये बहुत ही पुराना है, जितनी मेरी एज है इतना पुराना ये है, मतलब देसी पहले रखते थे इसमें। और मेरा फार्म यहाँ से तो नहीं दिखेगा, इसके ऊपर एक और मंजिल है, ये सामने ज़मीन हम अपनी है यहाँ पे, वो रोड तक सामने, और जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये दिख रहा है देखो सामने फार्म, ये दिख रहा है देखो, मैं दिखाऊंगा वहाँ से, ये खजूरों के बीच में से, ये तीन ये दिख रहा है देखो, एग्जॉस्ट फैन लगाने की जगह, और ये अपना फार्म है वहाँ, और ये पड़ोस वाले ये सऊदी रिटर्न है। ये देखो पूरा मूवमेंट तो बढ़िया है इनका, देखो पूरा मूवमेंट, ये इसके बाल नहीं है देखो, बताता हूँ मैं अभी, हाथ आएगा कि नहीं आएगा देखता हूँ, बहुत ज़्यादा मूवमेंट वो है उनकी। ये देखो पकड़ लिया मैंने, ये कौन सी ब्रीड का है ये देख लेना आप, ये कड़कनाथ है, मतलब पूरा ओरिजिनल कड़कनाथ है। नमस्कार दोस्तों, ये एक घंटे बाद हमने देखो गुड़ का पानी लगाया, जो इनका योग है वो सब गल जाएगा, अब इनको हिलाना पड़ेगा, इनको देखो ठंड लग रही है। हाँ ये देखो ये इकट्ठा हो रहा, मतलब ठंड लग रही है इनको। एक महीने का बच्चा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि एक महीने का बच्चा है ये। ये देखो हमारा मतलब वो बॉयलर फार्मिंग का ही कर दिया हमने, इधर लगा दिया, तो पूरा देख लेना घूम रहे इधर उधर। ये 300 बच्चे हैं पूरे, 300 बच्चे हैं ये। हमने देखिए हमने देखा कि ये बॉयलर के इसमें ही देखो बर्तन में हमने पानी दे दिया, जबकि दाने का ही इसमें ही दे दिया, और हमारा मतलब 5,000 की फार्मिंग है उधर,
वीडियो देखते ही हो आप, वो देख लो ये इनको भगा दो इधर से ताली बजा के, वो मूवमेंट देख सकते हो। और गुड़ का शरबत दिया, गुड़ का शरबत दिया है। और इस शिवा को तो पहचानते होंगे, सामने ही रहा, इधर देख शिवा, ये शिवा पहचानते होंगे शिवा को, ये इनका बॉस है समझ लो। हम इसके अंदर हीटर लगा देंगे और उधर पैक कर देंगे यहाँ से। अभी ये देखो अंधेरे में जाएंगे ही नहीं, लाइट रखेंगे, एक लाइट और लग चाहिए इधर। हेलोजन लगा देंगे, काम खत्म। और इनको इनको फीड देंगे कम से कम, निकाल लेंगे अभी इनको फीड, मतलब हम देंगे कम से कम 4-5 घंटे बाद देंगे फीड। वो उधर के पानी गर्म हो गया, मैं तो सोच रहा हूँ अभी मूवमेंट देख सकते हो। बहुत महंगा है ये चीज, चोरी करेगा, चोरी करेगा। अरे बहुत गर्म हो। नमस्कार दोस्तों, ये देखिए 4-5 घंटे के बीच में हमने फिर से फीड लगाना चालू किया। देखो ये मेरे यहाँ खली, मतलब बोरी है ये खली की, तो इस पर डाल दिया। और ये 6 बर्तन है, 4 में पानी है, गुड़ का शरबत है 4 में। और ये देखिए आराम से खा रहे हैं। मैं लाइट चालू करता हूँ, देखो ये यहाँ भी देखो आराम से खा रहे हैं। इनको यहाँ छोड़ के इस पर डालूँगा, देखो खाना सब कर देंगे, फिर अच्छे से ले रहे हैं ये। और 5 मोटिलिटी हुई है आज की, आज और आज तेजादशमी है। तेजादशमी मतलब तेजा जी हमारे इधर यात्रा भराती है, यात्रा मतलब मेला। हमारे मालवा में यात्रा बोलते उसको, तो बाकी आपके सामने देख सकते हो कितनी आसानी से पी रहे हैं, खा भी रहे हैं दाने अच्छे से। देखो तो उधर कहीं भी नहीं है, उसके नीचे भी कोई नहीं है। हमने एक हीटर जला दिया, ये पूरा अच्छे से जल रहा है। और एक हेलोजन लगा है, इसको खींच के यहाँ लगा दूँ तो अच्छे से हो रहेगी। और 2 वेंटिलेशन है यहाँ, ये वेंटिलेशन है, ये वेंटिलेशन है। और जाली वाली खिड़की है उधर, कांच और जाली वाली है, तो उधर से अमोनिया बाहर हो जाएगी। और यहाँ ऐसे लटका दूँ इसको, तो यहाँ ज़्यादातर खाएंगे ये बीच में। इसमें राड लगाना है अभी, तो देखिए 300 बच्चे, मालूम ही नहीं पड़ रहा कि 300 बच्चे हैं। 5 मोर्टलिटी होगा इसमें से, पूरे इसमें देख सकते हो। ये देखो अच्छे से दाना खा रहे हैं। और एक और मुझे ऐसा लग रहा है ये दाना नहीं खा पा रहा ठीक से, जाएगा ये तो ऐसा लग रहा है मेरे को। और बाकी पूरा ब्लैक ब्लैक पूरी जगह हो रही है। तो इसमें अच्छे से फिट खा रहे हैं, पैक कर दूँगा, पानी वगैरह सब कर दिया। 4-5 घंटे के बीच में मैंने दाना लगा दिया इनको, और अच्छे से खा रहे हैं। उधर एक बार अंदर नज़र मारना पड़ेगी, देखो अंदर भी घुस के बैठे हैं। ये देखिए, ये देखो ये घुस के बैठे हैं, इनको भगाना पड़ेगा। इधर भी घुस के बैठे होंगे, इधर तो नहीं दिख रहे मेरे को, वहाँ पे हैंगे थोड़े। ये घुस के बैठे देखो, ये दिखा रहा हूँ मैं, वो इधर भी ये घुस के बैठे हैं, वो इसमें घूम के दिखा रहा हूँ। देखो इनको भी मालूम ही नहीं है कि फीड यहाँ, हमने फीड डाल दिया है। और उनको निकालना पड़ेगा मुझे, तभी अच्छे से दाना पानी खा पी पाएंगे वो। ये देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में बैठे हैं,
एक ही जगह पर बैठे हैं, उनको निकालना पड़ेगा और यहाँ से पैक करना पड़ेगा। ये देखिए, अब थोड़ा कुछ लग रहा मेरे को कि 300 बच्चे हैं। इसके नीचे से निकाल लिया, देखो पूरा मैंने, एक भी नहीं है। ये देखो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहे मेरे को, कोने तक देखो कि एक बैठा है। इस साइड भी नहीं है, देखो ये, तो मैं इसको निकालना चाहूँगा। पांच मोटलिटी हुई है, बाकी सारे दाने खा रहे। देखो अब उधर भी देख सकते हो, चार से पाँच घंटे हो गए और दाना चालू किया हमने। पूरे गुड़ का शरबत है, मतलब गुड़ का काढ़ा बोलते हैं हम। इसमें मैंने सिर्फ गुड़ का काढ़ा ही उबाल के दे दिया है, गुड़ मिला के। और इनकी जगह चेंज कर देंगे फिर अभी 8-10 दिन बाद। पूरा देख सकते हो इधर सब लगे, देखो दाना पानी को।